Good morning, friends. Welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Rahul Singla. और आज हम वही सीरीज लेके आए हैं NCERT through MCQs. जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये ancient medieval और culture की NCERTs का कोर्स चल रहा है. आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, that is related to Magadhan Empire. तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following dynasty was the first dynasty to conquer over Magadha region? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी टू कॉन्कर ओवर द मगध रीजन. तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी एंड मौर्य डायनेस्टी. तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज शिशुनागा, सेकंड इज नंदा, थर्ड इज हरियंका एंड डी इज मौर्य डायनेस्टी. आई होप आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो पॉज कर रहे हैं और इसका आंसर दे रहे हैं, ताकि हम जब इसके सोल्यूशन को डिस्कस करें तब आप उसके साथ मैच कर सके. तो क्वेश्चन यही है कि पहली डायनेस्टी कौन सी थी जो मगध रीजन को पहले जिसने ऑक्यूपाई किया था. तो पहली डायनेस्टी कौन सी थी, फर्स्ट डायनेस्टी वॉज दी हरियंका डायनेस्टी. एज हम देख सकते हैं इसके अंदर, मगध अमर्ज्ड विक्टोरियस इन द बैटल्स अगेंस्ट अदर महाजनपद. द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मगध वॉज हरियंका डायनेस्टी एंड इट्स फर्स्ट किंग वॉज बिंबिसार. मगध एम्पायर के बनने से पहले वहां पे 16 इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, जिनमें से एक किंगडम कौन सा था, मगध. और उन सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स को हम क्या बोलते थे, महाजनपद्स. महाजनपद्स का मतलब होता है ग्रेटर टेरिटरी. पहले अगर उससे पहले की बात करें, जब हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं, तो छोटी ट्राइब्स होती थी. ट्राइबल एरिया से जब एरिया बड़ा होता गया तो टेरिटरी बन गया, और टेरिटरी से बड़ा एरिया क्या बन जाता है, डायनेस्टी. तो सबसे ऊपर जो पहली डायनेस्टी इसके ऊपर आई है, जो मगध एम्पायर के ऊपर रूल किया है, दैट इज व्हाट, हरियंका डायनेस्टी. तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन सी, दैट इज हरियंका डायनेस्टी. क्लियर है जी. तो इसका सोर्स देख सकते हैं, सोर्स है ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर 11, पेज नंबर 102. तो आप यहां पे देख सकते हैं कि पहला कौन सी डायनेस्टी आई थी, हरियंका डायनेस्टी. क्लियर है जी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हरियंका डायनेस्टी. अब उसी हरियंका डायनेस्टी की बात कर रहे हैं जिसने सबसे पहले रूल किया, किसके ऊपर, मगध एम्पायर के ऊपर. तो पहली स्टेटमेंट क्या है, बिंबिसारा वॉज द फर्स्ट रूलर और द किंग टू रूल ओवर मगध, ठीक है. सेकंड, द कैपिटल ऑफ हरियंका डायनेस्टी वॉज सेटअप एट ग्रीवराज, ठीक है. बिंबिसारा स्टार्टेड अ कल्चर ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस एंड मैरिड टू शेमा, डॉटर ऑफ चीफ ऑफ मदर क्लैन ऑफ पंजाब. तो यहां पे बेसिकली जो बात की जा रही है, वहां पे बात करी जा रही है हरियंका डायनेस्टी के बारे में. हरियंका डायनेस्टी के बारे में उधर भी बात किसकी करी जा रही है, बिंबिसारा की. तो पूछा यही गया है कि इन तीन स्टेटमेंट दे रखी है, इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन सी है. तो इसकी ऑप्शंस क्या क्या है, 1 and 3 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 एंड डी ऑल ऑफ द अबव. या 1 and 3 करेक्ट है, या 2 करेक्ट है, या 2 and 3 करेक्ट है, या डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है. तो इसका सही आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर क्या है, डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. तो अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि पहला राजा कौन था हरियंका का, दैट वाज बिंबिसार. याद रखना इसे बिंबिसारा था हरियंका डायनेस्टी का फर्स्ट राजा, इसको बिंदुसारा से रिलेट मत करना, क्योंकि बिंदुसारा कौन सा था, वो सेकंड रूलर था किसका, मौर्य एम्पायर का. यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं, बिंबिसारा की. तो वो पहला रूलर था किसका, हरियंका डायनेस्टी का, और उसकी कैपिटल कौन सी थी, ग्रीवराज. ये याद रख लेना, इसकी कैपिटल कौन सी थी, ग्रीवराज, जिसका बाद में नाम चेंज क्या कर दिया गया था, राजगृह. इसका एक बेसिकली डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा एडवांटेज था, बिकॉज ये जो कैपिटल थी, इट वॉज सराउंडेड बाय माउंटेन्स. ग्रीवराज जो था, डेट वॉज सराउंडेड बाय माउंटेन्स. तो पहली चीज क्या हो गई, बिंबिसारा ने हरियंका डायनेस्टी फाउंड की, उसकी कैपिटल कौन सी थी, ग्रीवराज. और थर्ड चीज, जो बिंबिसारा था वो बहुत अच्छा था डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से. उसने जितने भी आसपास के ट्राइब्स थे, ताकि अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर सके, उसने क्या स्टार्ट किया, मैट्रिमोनियल अलायंस. उसने शादी किन किन से करी, कौशला देवी, सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत, जो किसकी, राजा का था, कौशला का. तो कौशला के राजे की सिस्टर के साथ उसने शादी करी. फिर लच्छावी किंग था चेतक, उसकी बेटी चलैना के साथ इसने शादी करी. और पंजाब में एक लैंड थी मदर, उसकी बेटी शमा के साथ इसने क्या करी, शादी. तो थर्ड स्टेटमेंट क्या थी, कि ही मैरिड शमा, डॉटर ऑफ चीफ ऑफ मदर क्लैन.
तो याद रखो कि किस तरीके से एक मगध एम्पायर को वो एक्सपैंड कर रहा है, जो लच्छावी है इट इज इन नेपाल, तो नॉर्थ में लेके जा रहा है, वेस्ट में लेके जा रहा है अपने किंगडम को, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो यहां पे ध्यान से याद रखना, एक तो उसने अपनी टेरिटोरी को डिफेंस करने के लिए क्या करा, ग्रीवराज कैपिटल वहां पे शिफ्ट कर दी, दूसरा और उसने क्या स्टार्ट किया, मैट्रिमोनियल अलायंस, ताकि अपने किंगडम को क्या एक्सपैंड कर सके, डिप्लोमेटिकली अपने किंगडम को एक्सपैंड कर सके, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या होता है, सॉल्यूशन डी। ठीक है जी, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हम सोर्स देख सकते हैं, सोर्स है ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा चैप्टर 11 एंड पेज नंबर 102, पेज नंबर क्या है 102, क्लियर है जी। चलो थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, बात अब हरियंका डायनेस्टी की ही चल रही है, फाउंडेड द सिटी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को फाउंड किया ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सोन गंदक एंड गंगा। तो यहां पे पूछा जा रहा है कौन सा रूलर था हरियंका डायनेस्टी का जिसने पाटलिपुत्र को फाउंड किया, दैट इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सोन गंगा गंदक एंड गंगा। तो याद रखना हरियंका का पहला रूलर था बिंबिसारा, सेकेंड रूलर था अजत शत्रु और थर्ड रूलर था उदयन। तीन रूलर थे जो स्टार्टिंग के थे, फर्स्ट वॉज वॉट हमारा बिंबिसारा, सेकेंड वॉज अजत शत्रु एंड थर्ड वॉज उदयन। तो जिसने इस कैपिटल को फाउंड किया था पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र इज बेसिकली मॉडर्न डे पटना, पाटलिपुत्र क्या है मॉडर्न डे पटना, तो उसका आंसर क्या है सी उदयन। तो उदयन सक्सीडेड अजत शत्रु, हिज रेन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही बिल्ट द फोर्ट अपॉन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वॉट, गंगा एंड सोन एट पटना। तो देख सकते हो पाटलिपुत्र का मॉडर्न नेम क्या है पटना, बिकॉज पटना ले इन द सेंटर ऑफ द मगधन किंगडम। याद रखो पटना एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये सेंटर में था किसके, मगध किंगडम के बीच। क्लियर है इतनी बात, तो याद रख लेना उदयन जो राजा था उसने कैपिटल जो पहले ग्रीव राजा में थी उसको चेंज करके कहां पे ले आया, वो हमारे पाटलिपुत्र में ले आया, बिकॉज इट वॉज ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। तो इसने रिप्लेस किसको किया था उदयन ने, उदयन रिप्लेस अजत शत्रु। क्लियर है जी, तो इसका सही आंसर क्या है सॉल्यूशन सी। सोर्स वही है ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा चैप्टर 11 एंड पेज नंबर 105, क्लियर है इतनी बात। अब यहां के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पे इन्होंने सब कुछ बता रखा है जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अजत शत्रु, अब बात किसकी हो रही है, सेकंड किंग की हो रही है जो किसके बीच में आया था हरियंका डायनेस्टी के बिंबिसारा के बाद। पहली चीज क्या है, ही किल्ड हिज फादर एंड सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही किल्ड हिज फादर एंड सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। सेकंड स्टेटमेंट, ही वॉज नो रिस्पेक्टर ऑफ रिलेशंस ऑल्दो हिज मदर वॉज अ लिच्छावी प्रिंसेस। जैसे कि हमने पढ़ा है बिंबिसारा ने किससे शादी करी थी, लिच्छावा की रानी से, तो इसकी मदर कौन थी, लिच्छावी प्रिंसेस, बस बट ही डिड नॉट मेक prevent him from making war against Vishali। तो दो statement है, एक तो उसने अपने पिताजी की हत्या करी और अपनी गद्दी को संभाला, दूसरा उसने जो लिच्छावी प्रिंसेस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस उसके फादर जी ने बनाए थे उनको क्या किया, इसने खत्म कर दिया, कैसे, उसके ऊपर लड़ाई करके। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है सोल्यूशन सी। अगर हम बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स की बात करें, बिंबिसारा रूल्ड फॉर 52 years, ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अजत शत्रु, अजत शत्रु किल्ड हिज फादर एंड सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, बिकॉज अजत शत्रु किल्ड हिज फादर, थ्रू हिज रेन ही परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो उसकी पॉलिसी कौन सी थी, हमेशा एक्सपेंशन की, एज ही वॉज नो रिस्पेक्टर ऑफ रिलेशंस बिकॉज हिज मदर वॉज अ लिच्छावी प्रिंसेस स्टिल It did not prevent him from making war against Vishali। तो इसने लड़ाई किसके ऊपर करी, विशाली के ऊपर भी लड़ाई करी। तो जो हमारा अजत शत्रु था उसने अपने killed his father, second he declared a war on Vishali। ठीक है जी, इसका आप सोर्स देख सकते हो वही ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा चैप्टर 11 पेज नंबर 104। क्योंकि हम डिस्कस किसको कर रहे हैं, मगध एम्पायर के रिलेटेड कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन ज्यादा इसी टॉपिक से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following महाजनपद्स, which one of the following महाजनपद्स was destroyed by the sway of शिशुनगर dynasty? तो शिशुनगर dynasty की एक बात हो रही है, उसने किसकी पावर को खत्म किया, कौन से महाजनपद की पावर को उसने खत्म किया। फर्स्ट ऑप्शन इज छेदी, सेकेंड इज काशी, थर्ड इज अवंती एंड लास्ट इज मगध। चार ऑप्शन हैं, छेदी, काशी, अवंती एंड मगध।
तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है हमारा अवंती। सही आंसर क्या है? अवंती। तो याद रखो, पहली डायनेस्टी कौन सी थी? हरियंका डायनेस्टी। उसके बाद कौन सी आई डायनेस्टी? शिशु नागा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम मगध एम्पायर की बात कर रहे हैं, पहली डायनेस्टी थी हरियंका, सेकंड वॉज शिशु नागा। और शिशु नागा की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या थी? उसने अवंती को हरा दिया। किसको हरा दिया? अवंती को, जिसकी कैपिटल क्या थी? उज्जैन। उज्जैन थी जिसकी कैपिटल। उज्जैन एक बहुत चीज के लिए फेमस है, आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं कि उज्जैन किस चीज के लिए फेमस है। इसी के साथ जो बहुत पुरानी राइवलरी चलती आ रही थी किसके बीच में? मगध और अवंती के बीच में, वो खत्म होगी। क्यों? क्योंकि अब अवंती के ऊपर किसका रूल हो चुका है? हरियंका डायनेस्टी को रिप्लेस करके किसका हो चुका है? शिशु नागास का। और ये किसका पार्ट बन चुका है? अब मगध अंपायर का। अब ये पार्ट किसका है? मगध अंपायर का। ठीक है जी। तो सबसे पहले आ रही है हमारी हरियंका डायनेस्टी, उसके बाद आ रही है हमारी शिशुनागा डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी में तीन राजे आ रहे हैं, जैसे हमने देखा, बिंबिसारा, अजयशत्रु एंड उज्जैन। और शिशुनागा की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है? उसने उज्जैन के साथ अपनी अवंती को उसने हरा दिया। ठीक है, इसका वही सोर्स ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर 11 एंड पेज नंबर 105। क्लियर है जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शिशुनागा डायनेस्टी। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? शिशुनागा वॉज द अमत्या, शिशुनागा वॉज द अमत्या ऑफ लास्ट हरियंका किंग नागदोष्क। लास्ट हरियंका किंग नागदोष्क किल्ड हिम एंड स्टार्टेड शिशुनागा डायनेस्टी। पहली बात, जब हम अमत्यास की बात कर रहे हैं तो अमत्यास क्या होते हैं? मंत्री। अमत्यास का मतलब क्या होता है? मंत्री। तो वो कह रहे हैं कि लास्ट जो हरियंका की था शिशुनागा, उसका डायनेस्ट मंत्री था, उसने उसे मार दिया और वहां से उसने क्या स्टार्ट कर दी? शिशुनागा डायनेस्टी। ठीक है जी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? अनदर इंपॉर्टेंट किंग किसका? शिशुनागा डायनेस्टी का, वो था कलशोक, हु पैट्रनाइज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो दो चीजें यहां पर बोली गई है, क्या शिशुनागा ने नागदोष को मार के अपनी शिशुनागा डायनेस्टी स्टार्ट करी, और सेकंड चीज जो इसका इंपॉर्टेंट किंग था शिशुनागा डायनेस्टी का कलशोक, क्या उसने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रनाइज किया था? अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो इनमें से चेक करना है हमने इनकरेक्ट कौन सी है। तो इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। आंसर क्या है? सॉल्यूशन बी, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि शिशुनागा ही अमत्या था, लास्ट हरियंका किंग था, उसको मार के उसने क्या स्टार्ट कर दी? शिशुनागा डायनेस्टी। बट जो कल अशोक था, नो डाउट वो किंग था शिशुनागा डायनेस्टी का, बट उसने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं, उसने कौन सी काउंसिल रखी थी? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो इसकी वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारी हो जाती है गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी हो जाती है करेक्ट। तो आंसर क्या होता है? सॉल्यूशन बी। और इसका सोर्स देख सकते हैं क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर 11 एंड पेज नंबर 105। क्लियर है जितनी बात। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नंदा डायनेस्टी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नंदा डायनेस्टी। पहली, इट वॉज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट वॉज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। सेकेंड, द फर्स्ट किंग महापद्म नंदा वॉज द एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। द फर्स्ट किंग महापद्म नंदा वॉज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब ध्यान से देखो, हमने बात करी कौन सी डायनेस्टी? हरियंका डायनेस्टी की। फिर सेकंड में बात करी हमने किसकी? बात करें शिशुनागा डायनेस्टी की। अब ये रिलेटेड बात आई है किसके? नंदा डायनेस्टी के। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहां पे नंदा डायनेस्टी स्टार्ट होती है, कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होती है? नंदा डायनेस्टी। पहली बात, इट वॉज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। वो पहली क्या थी? नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो जाती है? करेक्ट। अब नंदास ने अपनी पावर को इतना एक्सपेंड किया था, इनके पास इतने सोल्जर्स थे, इतने फुट सोल्जर्स थे, इतनी एलिफेंट्स थे, इतनी कैवलरी थी, इतनी इन्वेंट्री थी, इन्फेंट्री थी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर एम्पायर सबसे पहले किसने बिल्ड किया है तो किसने किया है? नंदा के फर्स्ट रूलर, दैट इज महापद्म नंदा। तो याद रख लेना, जो पहली दो डायनेस्टीज आई थी किंसी डायनेस्टीज, हरियंका डायनेस्टी एंड शिशुनागा डायनेस्टीज, वो कौन सी थी? क्षत्रियास डायनेस्टी। अब ये जो नंदा डायनेस्टी आई है ये नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। तो विच ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो सही आंसर क्या है? सी, बोथ वन एंड टू। देख सकते हैं, इट वॉज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी एंड ही वॉज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो नंदास बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात कर रहे हैं मगध पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मगध की पावर अगर स्टार्ट होती है हरियंका डायनेस्टी से, कहां से स्टार्ट होती है? हरियंका डायनेस्टी से। नंदा के टाइम पे आके वो अपने एपिटोम पे रीच कर जाती है, एट द पीक रीच कर जाती है। कहां पे? अगर हम बात कर रहे हैं नंदा डायनेस्टी की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? सॉल्यूशन सी। इसका आप सोर्स देख सकते हैं, सोर्स क्या है? ओल्ड एनसीईआरटी बाय मखनलाल, चैप्टर 13
एंड पेज नंबर 119. क्या है पेज नंबर 119. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द किंग ऑफ मगध एम्पायर व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड इंडिया इन 326 BC. अलेक्जेंडर जैसे हम सिकंदर भी कहते हैं, उस टाइम में इंडिया का किंग कौन था मगध एम्पायर का जब उसने अटैक किया. तो पहला ऑप्शन है नंदा, बी शिशुनागा, सी हरियंका, डी नन ऑफ द अबव. और इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ए नंदा. देख सकते हैं आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ ईरान एंड द डिफीट ऑफ किंग पोरस अलेक्जेंडर एडवांस्ड एज फार एज ब्यास रिवर. ही वॉन्टेड टू मूव फर्दर ईस्टवर्ड बट हिज सोल्जर्स रिफ्यूज टू कंपनी हिम. द ग्रीक सोल्जर्स वर टोल्ड ऑफ अ फॉर्मिडेबल पावर ऑन द गंगा. इट वॉज द किंगडम ऑफ मगध रूल्ड बाय नंदास हु मेंटेन्ड एन आर्मी फॉर आउटनंबरिंग दैट ऑफ अलेक्जेंडर. देखो अलेक्जेंडर का मेन पर्पज था, ही वॉन्टेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड आफ्टर डिफीटिंग ईरान एंड आफ्टर डिफीटिंग किंग पोरस. ही वॉन्टेड टू मूव टूवर्ड्स द ईस्ट साइड टूवर्ड्स द नंदा मगध एम्पायर दैट वॉज रूल्ड बाय नंदा डायनेस्टी. बट जैसे कि उसके सोल्जर्स यहां तक पहुंचते हैं क्योंकि इतने टाइम से कॉन्क्वेस्ट पे वो लगे हुए थे, दे रिफ्यूज टू अकंपनी हिम टू द नंदा डायनेस्टी के वहां पे जाके वो उनसे लड़ाई कर सके. तो जिसकी वजह से वो वहां पे लड़ाई करने के लिए जाता नहीं है. एक रीजन तो ये होता है क्योंकि सोल्जर्स उसके थक जाते हैं, दूसरा नंदा डायनेस्टी की जो सोल्जर्स होते हैं आर्मी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू व्हाट अलेक्जेंडर. जिसकी वजह से इसका सही आंसर क्या है, सॉल्यूशन ए. वही ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर शर्मा इसका सोर्स है, चैप्टर 12 है और पेज नंबर क्या है 109. क्लियर है इतनी बात. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडो ईरानियन कॉन्टैक्ट. पहली स्टेटमेंट इंडो ईरानियन कॉन्टैक्ट के बारे में. पहली स्टेटमेंट, द इंडो ईरानियन कॉन्टैक्ट लास्टेड फॉर अबाउट 200 इयर्स गेव एन एम्पेटस टू इंडियन इंडो ईरानियन ट्रेड एंड कॉमर्स. सेकंड, द ईरानियन स्क्राइब्स ब्रॉट इनटू इंडिया अ फॉर्म ऑफ राइटिंग केम टू बी नोन एज द खरोश्ती स्क्रिप्ट. क्वेश्चन फिर से देख लेना, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. तो वन ओनली, टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नीदर वन और टू. तो इसमें बोल रहे हैं कि इंडिया ईरानियन का कॉन्टैक्ट 200 साल तक रहा, दूसरा वो अपने साथ स्क्रिप्ट लेके आए जिसको क्या बोलते हैं खरोश्ती स्क्रिप्ट. तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है बोथ आर करेक्ट, कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है. देख सकते हैं इंडो ईरानियन कॉन्टैक्ट लास्टेड फॉर अबाउट 200 इयर्स. कल्चरल रिजल्ट इनकी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जिसकी वजह से वो अपने साथ एक स्क्रिप्ट लेके आते हैं जिसको क्या कहते हैं खरोश्ती स्क्रिप्ट. और ये भी अरेबिक की तरह कैसे लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट. एक चीज याद रखना, खरोश्ती स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट. अगर हम अशोका की बात करें, किसकी बात करें, अशोका की, जो हम मॉडर्न एम्पायर में डिस्कस करेंगे, तो वो भी याद रखना उसकी बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस कौन सी स्क्रिप्ट में है, खरोश्ती स्क्रिप्ट में. बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस कौन सी स्क्रिप्ट में है, खरोश्ती स्क्रिप्ट में. तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या थी, करेक्ट. इसकी वजह से सही आंसर क्या, सोल्यूशन डी, दैट इज नीदर ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इन करेक्ट. सोर्स देख सकते ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर 12, पेज नंबर 109. क्लियर है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement was proved beneficially for the Iranian invasion? Iranian invasion कौन सी थी हमारी जो इन्होंने करी है. तो बेसिकली पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से बेस्ट रही बेनिफिशियल के उन्होंने यहां पे इन्वेड करा. पहली स्टेटमेंट, मगध एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन, स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इट्स पावर. सेकेंड, इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया सेवरल स्मॉल किंगडम्स फॉट अमंगस्ट देम. थर्ड, इंडियन सब्जेक्ट्स वर इनरोल्ड इन द ग्रीक्स आर्मी अगेंस्ट द ईरानियंस. सी लास्ट, डी ऑल ऑफ द अबव. तो चार चीजें हैं, मगध एम्पायर डिक्लाइन इट्स पावर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया सेवरल स्मॉल किंगडम्स फॉट अगेंस्ट देम, इंडियन सब्जेक्ट्स वर एनरोल्ड इन द आर्मी एंड डी ऑल ऑफ द अबव. तो सही स्टेटमेंट क्या है, सही स्टेटमेंट क्या है, सॉल्यूशन सी. क्यों, क्योंकि मगध एम्पायर अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, उसकी पावर डिक्लाइन नहीं करी थी. मगध एम्पायर अभी भी पूरा का पूरा स्ट्रांग था. इंडियन सब्जेक्ट्स को बेसिकली क्या किया गया था, इनरोल कर लिया गया था. किसमें, इन द ईरानियन आर्मी. कहां पे कर लिया गया था, ईरानियन की आर्मी, डेट वॉज द जर्क्सीज. वो क्या था उस टाइम पे, ईरानियन किंग हु एम्प्लॉयड इंडियंस इन द लॉन्ग टर्म वॉर अगेंस्ट द ग्रीक्स. डेट इज वाई ईरानियन ने क्या किया, इन्वेड किया. क्योंकि इंडियंस कहां पे इनरोल्ड थे, दे वर इनरोल्ड इन फाइटिंग द ग्रीक्स. जिसकी वजह से सही आंसर क्या है, इसका सी ऑप्शन. क्योंकि मगध एम्पायर अभी भी स्ट्रांग था और जितने भी छोटे छोटे किंगडम थे नॉर्थ वेस्ट में अभी फाइट नहीं कर रहे थे. बेसिक रीजन था कि इंडियंस को लड़ाया गया ग्रीस के अगेंस्ट लड़ने के लिए, जिसकी वजह से वो एरिया खाली हो गया और ईरान ने क्या कर दिया, इंडिया पे इन्वेजन. इसका ओल्ड सोर्स क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर 12, पेज नंबर 108. आज का लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अलेक्जेंडर्स अटैक. पहला क्या है, विद रिस्पेक्ट टू अलेक्जेंडर्स अटैक. पहला, अम्भी द रूलर ऑफ टेक्सिला, अम्भी द रूलर ऑफ टेक्सिला सबमिटेड टू अलेक्जेंडर एंड रिप्लेनिश्ड हिज ट्रेजर. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट,
Alexander's most advantageous attack was on Magadha Empire as it was a most wealthy state in Indian subcontinent. पहले स्टेटमेंट है कि अंबी ने इजिली सबमिट कर दिया अलेक्जेंडर के पास. सेकंड, अलेक्जेंडर ने अटैक किया किसके ऊपर? मगध एम्पायर के ऊपर. हमने अभी पीछे डिस्कस किया है कि अलेक्जेंडर ने कभी भी अटैक नहीं किया मगध एम्पायर के ऊपर क्योंकि वो वहां तक तो मूव करा ही नहीं था. तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? सोल्यूशन ए, दैट इज अंबी द रूलर ऑफ टेक्सिला रेडिली सबमिटेड टू अलेक्जेंडर. और अलेक्जेंडर ने मगध पे अटैक नहीं किया क्योंकि हमने भी डिस्कस किया था, क्योंकि नंदा की जो आर्मी थी, महापद्मनंदा की या धननंदा की, उनकी आर्मी ज्यादा थी एज कंपेयर टू अलेक्जेंडर, जो उस टाइम पे क्या था, एक र्यूमर था. इसका सोर्स क्या है? ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर 12, पेज नंबर 109. ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन रिलेटेड टू मगध एम्पायर. तो आपको पता होना चाहिए कि मगध एम्पायर स्टार्टिंग कहां से हो रहा है. महाजनपद्स को हराने के बाद तीन डायनेस्टीज आती हैं, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनागा, नंदा डायनेस्टी. हरियंका डायनेस्टी के टाइम पे जो राजे थे बिंबिसारा, अजयशत्रु एंड उदयन, और उनके टाइम पे शिशुनागा था, फिर था कलशोक, और नंदा डायनेस्टी के टाइम पे थे महापद्मनंदा एंड धन नंदा. किस तरीके से इन्होंने अपनी पावर को एक्सपैंड किया, मगध एम्पायर को एक्सपैंड करने की कोशिश करी. और नंदा के टाइम पे था जहां पे किसने अटैक किया, अलेक्जेंडर ने अटैक किया. आई होप आपको इस वीडियो का कोई फायदा हो. ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हो आप एंड में कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे. आप अपने घर पे रहिए, तैयारी करते रहिए, बी सेफ, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. ठीक है, घर पे रहो, अपने फैमिलीज का केयर करो एट द टाइम ऑफ दिस पैंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस. आई होप आप सभी घर पे रह रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. थैंक यू.